क्या क्वेश्चन है कि एक्स बाय क्या, एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू। देखो जब भी तुम्हारा एग्जाम में कोई पी बाय क्यू फॉर्म देखते हो, एफ एक्स बाय जी एक्स, नो डाउट ये पार्शियल फ्रैक्शन था। ऐसे डी एक्स बाय भी रहता है, ज़्यादातर मैक्सिमम पार्शियल फ्रैक्शन का ही होता है, इसको फैक्टराइज कर दोगे। ऐसा रहा, ये पहला केस है। पहला बात है पार्शियल डिवाइड होगा ना, ये है ऊपर का डिग्री क्या है, वन है नीचे का डिग्री टू है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। तो सिंग क्या होगा, पहला केस ए बाय क्या एक्स प्लस वन, बी बाय क्या एक्स प्लस टू। ओके, अभी हमें ये ए और बी का वैल्यू निकालने से हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें एक्स इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे पर ए इंटू, ये दोनों जाके इधर आप मल्टीप्लाई होगा, होने के बाद एक्स प्लस वन के साथ एक कट जाएगा। ये जगह मल्टीप्लाई जब हुआ यहाँ पर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस कट जाएगा, तो और एक ही बचेगा ए इंटू कितना एक्स प्लस टू। नेक्स्ट बार ये इसके साथ इंटू होगा, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू कट जाएगा, ये जो दोनों जाके इसके साथ इंटू होगा, एक्स प्लस टू एक्स टू कट जाएगा, रहेगा बी कितना एक्स प्लस वन। ये एक्स इक्वल टू डिवाइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। ओके, इसको दो मेथड में कर सकते हो। एक है सबसे इजिएस्ट मेथड है, सुनो, इजिएस्ट मेथड जो है कि ए को जीरो करके बी निकालना है, बी को जीरो करके ए निकालना है, एक मेथड। और एक कोफिशिएंट मेथड है, तो इजिएस्ट मेथड हमेशा पहले ट्राई करो, उसके बाद नो नहीं हुआ कोफिशिएंट मेथड करोगे। इजिएस्ट मेथड क्या है, पहला एक्स को, ए को जीरो करना है, एक्स का वैल्यू क्या होने से ए का जीरो होगा, माइनस टू होने से माइनस टू प्लस टू तो जीरो हो जाएगा, पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू, ए जीरो करके बी निकालेंगे। ओके, तो हर जगह जहाँ पर भी एक्स है हर जगह एक्स का वैल्यू माइनस टू पुट करोगे, तो यहाँ पर भी माइनस टू। ओके, ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, तुम्हारा ये माइनस टू प्लस टू जीरो इंटू दिस, देन ये माइनस टू प्लस वन, यहाँ पर एक्स का हर जगह पुट करोगे, माइनस टू प्लस वन क्या माइनस वन, तो हमें बी चाहिए था, ये माइनस वन डिवाइड हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या टू। अभी बी को जीरो करके ए का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे कि बी को जीरो कैसे करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन हो तो बी जीरो हो जाएगा, तो हर जगह माइनस वन पुट करो, यहाँ पर ये माइनस वन जहाँ पर एक्स है, ये यहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू वन, वन इंटू ए आएगा, ये तुम्हारा जीरो हो गया। एक मेथड है बच्चों, दूसरा मेथड एक है कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड एक्स का कोफिशिएंट कितना वन है। ओके, यहाँ पर ये करोगे तो एक ठो आएगा एक्स, एक्स एक्स का कोफिशिएंट ए हुआ, यहाँ पर करोगे तो बी एक्स आएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी आएगा, ये एक ठो कांस्टेंट, कुछ नहीं तो कांस्टेंट इधर क्या, कुछ नहीं तो कांस्टेंट इधर जीरो है, प्लस जीरो, यहाँ पर करोगे टू ए आएगा, टू ए कांस्टेंट है, यहाँ पर करोगे तो प्लस बी आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे, सबट्रैक्ट कर दो। ओके, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड क्लास टेन में जो पढ़े थे, तो सबट्रैक्ट कर दो, ये माइनस, ये तुम्हारा माइनस टू ए प्लस है माइनस है, और ये तुम्हारा वन, तो ए इक्वल टू क्या होता है माइनस वन। फिर ए का वैल्यू इधर पुट करो माइनस वन, इधर जाके बी इक्वल टू क्या, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, एक वैल्यू मैंने इसमें इसमें, तो माइनस वन इसमें पुट किया आ गया। ये एक मेथड है कोफिशिएंट मेथड, लेकिन बेस्ट मेथड ए का जीरो करके निकलो, हमेशा डिवाइड वाला जाके इंटू होता है। ओके, हो गया, उसके बाद यहाँ पर डालना है, वो क्या था ए का वैल्यू क्या आया, ओके कितना माइनस वन बाहर रख दो, डी एक्स बाय क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, देन बी का वैल्यू तुम्हारा टू बाहर रख दो, डी एक्स बाई कितना एक्स प्लस टू। अभी मैं तुम्हें इसका बोला था उस दिन, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस बी, ये वन बाय ए लॉग एक्स, यहाँ पर भी सेम थिंग आएगा, वन बाय ए, यहाँ पर वन बाई ए का कितना वन होता है, ये लॉग कितना एक्स प्लस वन, यहाँ पर भी वन बाय ए इस फॉर्म में है, इसका इंटीग्रेशन होता है वन बाय ए लॉग एक्स प्लस बी। ओके,
इसी का यहाँ वन बाय मीन्स वन बाय वन, यह आएगा लॉग कितना एक्स प्लस टू प्लस सी। अच्छा बच्चों, हम जो लिए हैं ये और भी का वैल्यू, ये माइनस वन बाई एक्स प्लस वन और टू बाई एक्स प्लस टू, तुम एलसीएम लेके करोगे ना ये आएगा। इसे ही हमने लिए, तुम्हारा जो एक्स का वैल्यू माइनस वन डालोगे, बी का वैल्यू टू डालोगे, इसका एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे, ये एक्स बाई इतना आएगा। ओके, दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, बनाओ।